मंडी जिला के अंतर्गत हटली थाना के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। रात करीब 11:30 बजे पुलिस ने चौकी हटली और आयकर विभाग सरका घाट द्वारा भांबला चौक पर नाका लगाया गया था। नाके के दौरान पुलिस ने एक जीप से 150 पेटी अवैध शराब की बरामद की है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी पुनीत रघु ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि भांबला में नाके के दौरान 150 पेटी अवैध शराब की बरामद की है। मंडी जिला के अंतर्गत हटली थाना के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देर रात करीब 11:30 बजे पुलिस चौकी हटली और आयकर विभाग सरका घाट द्वारा भांबला चौक पर नाका लगाया गया था। नाके के दौरान पुलिस ने एक जीप से 150 पेटी अवैध शराब बरामद की है। एएसपी मंडी पुनीत रघु ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि भांबला में नाके के दौरान 150 पेटी अवैध शराब बरामद की है। उन्होंने बताया कि जीप में दो व्यक्ति सवार थे, एक तो मौके से फरार हो गया परंतु दूसरा व्यक्ति भागने में नाकाम रहा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, कल रात करीब 11:30 बजे के करीब पुलिस थाना हटली एवं एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग सरका घाट की तरफ से एक ज्वाइंट नाका जो था वो भांबला चौक पर लगाया गया था और जानकारी के मुताबिक उनके द्वारा एक जीप जो है उसको इम्पाउंड किया, उनको कल सीज किया गया जीप को, जिसमें 150 पेटी जो थी वो उन्ना नंबर 1 जो लिकर है उसकी पाई गई थी अवैध रूप से और जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी। इसमें जो गाड़ी मुकदमा दर्ज करके उस गाड़ी को सीज़ किया गया है और केस प्रॉपर्टी को भी सीज करके रखा गया है। उस गाड़ी में दो व्यक्ति थे जिनमें से एक जो था वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है और जबकि उसकी जगह दूसरा व्यक्ति जो था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो फरार व्यक्ति है उसको नाक करने के लिए जो टीम है वो एक्टिवेट अभी हो गई है और जो अरेस्टेड मुलजिम है उसको आज अकॉर्डिंगली कोर्ट में पेश किया जाएगा और फर्दर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खेप कहाँ से कहाँ को ले जा रहे थे, कुछ पता चला सर अब तक? देखिए, अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी इसमें हटली चौकी हटली थाना में अन्वेषण जारी है, तो जैसी भी इसमें जानकारी सामने आएगी उस प्रकार नियम के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।